हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैक्स हार्वेस्टिंग क्या होता है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो मोस्टली हर प्रोफेशनल्स यूज करते हैं और अपने टैक्स को बेसिकली कम कर देते हैं। तो क्या होता है टैक्स हार्वेस्टिंग, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है बेसिकली। फिर हम ये देखेंगे कि ये किस पे अप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने टाइप से हम टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली कर सकते हैं, टैक्स को बचा सकते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कि जो टाइप्स है ना उसके हिसाब से क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, कैसे हम टैक्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो आपको ध्यान में रखना है टैक्स हार्वेस्टिंग करते वक्त, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं मीनिंग क्या होता है। तो टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो, ठीक है, जो हर टैक्स पेयर बेसिकली अडॉप्ट करता है जिससे कि अपनी टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सके, ठीक है। कैसे? शेयर्स और सिक्योरिटीज पे, शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज पे सेल करने का जो कैपिटल गेन होता है उस पर टेक्निक्स अप्लाई की जाती है, ठीक है। तो अप्लीकेबिलिटी भी आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है, कहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो ये अप्लीकेबल होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यहाँ पे आपको पता होगा तो 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, इसमें जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होता है ना इस पे ये टैक्स हार्वेस्टिंग जो है वो अप्लीकेबल हो जाता है, ठीक है। अभी टाइप्स की बात करें तो दो टाइप के मोस्टली होते हैं। पहला होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग एंड दूसरा होता है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग। अब हम सीखेंगे कि लॉस हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं एंड गेन हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। तो पहला देख लेते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है मिस्टर ए, ठीक है, जिन्होंने शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज को सेल किया है और उनको हो गया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना? 8 लाख रुपए का, ठीक है। अभी 8 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया है। अभी मिस्टर ए जो है वो और कोई भी सिक्योरिटी सेल नहीं करना चाहते, ठीक है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको 8 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। बट ये गए एक प्रोफेशनल के पास, तो प्रोफेशनल ने क्या किया, उसने ना पोर्टफोलियो देखा मिस्टर ए का, मिस्टर ए का पोर्टफोलियो ओपन किया और उस पोर्टफोलियो में देखा कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो लॉस दिखा रहे हैं 3 लाख रुपए तक का, ठीक है। तो प्रोफेशनल ने सजेस्ट किया कि जो लॉस दिख रहा है ना आप इन शेयर्स को भी सेल कर दीजिए। बट मिस्टर ए ने बोला कि मैं लॉस में सेल नहीं करना चाहता, ठीक है, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है सेल करने का। तो प्रोफेशनल जो है उसने क्या बोला कि अगर इसे सेल नहीं करते हैं तो बेसिकली 8 लाख का आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, कैपिटल गेन, इस पे आपको बेसिकली टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर आप ये जो शेयर्स हैं जो लॉस दिखा रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए का तक का, अगर आप उससे सेल कर देते हैं तो मतलब आपने 3 लाख रुपए तक का लॉस बुक कर लिया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 8 लाख रुपए हुआ है, अभी आपने जो शेयर सेल किया लॉस वाले उसमें 3 लाख का लॉस हुआ है, तो आपका नेट कैपिटल गेन 5 लाख हो जाएगा और 5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए ने बोला बट मुझे सेल ही नहीं करना। तो प्रोफेशनल ने क्या बोला, एक काम करो आप, ठीक है, ये जो 3 लाख के शेयर लॉस में दिख रहे ना इसको आज आप सेल कर दो और 2 दिन बाद वापस से खरीद लेना, ठीक है। तो आपने वापस से तो खरीद लिया वो शेयर्स, बट ये 3 लाख जो है वो बुक हो गए, ठीक है। तो 8 लाख में से 3 लाख माइनस हो जाएगा और 5 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अभी एक चीज ये सीखने को मिलता है कि आपके पोर्टफोलियो में कितना भी लॉस दिख रहा हो, कितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो, ठीक है, वो तब तक लॉस या प्रॉफिट नहीं है जब तक आप उसे सेल नहीं करते, ठीक है। तो इनकम टैक्स की नजर में जब आप सेल करते हैं या फिर स्विच करते हैं तो ही अगर कोई लॉस है या फिर प्रॉफिट है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। तो आई होप लॉस हार्वेस्टिंग आपने समझ गया होगा। क्या करना बेसिकली आपको, आपके जितने भी पोर्टफोलियो में लॉस है ना सारे बेच दो, अगर आपके पास प्रॉफिट हुआ है तो वो नेट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वापस से लॉस वाले अगर आप चाहो तो वापस खरीद लो 2 दिन बाद, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। दूसरी टेक्निक है टैक्स गेन हार्वेस्टिंग, इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने मेरे चैनल पे अपलोड किया था, ठीक है, बट फिर भी इसको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं कि शेयर है, मान लीजिए कि मेरे पास है एबीसी लिमिटेड का एक शेयर है, ठीक है, ईयर वन में उसका वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 90,000 में खरीदा था, ईयर टू में वैल्यू होती है 1,20,000, ईयर थ्री में 180, ईयर फोर में 220 और ईयर फाइव में 250 चली जाती है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर हम बेचते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर्स पे बेसिकली 112A एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1 लाख, ठीक है, उसके बाद 10% हमें टैक्स पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बेसिकली, आप ऑप्शन पहला चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ईयर वन में खरीदा और हम सीधा जाके ईयर फाइव में बेच दें। अगर हम सीधा ईयर फाइव में जाके बेचते हैं ना तो 90,000 का खरीदा था, 2.5 लाख में हमने बेच दिया, 1,60,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अप टू 1 लाख तो एग्जेम्प्ट रहेगा, बाकी 60,000 जो एक्स्ट्रा है वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10% के बेसिस पे, ठीक है। ऑप्शन टू आप ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन टू बेसिकली हर प्रोफेशनल यहाँ पे सजेशन देते हैं कि आप ऑप्शन टू पे जाइए। यहाँ पे क्या करना होता है, एग्जांपल लेते हैं, आपने आपका शेयर जो है ना आपने ईयर थ्री में बेच दिया, ठीक है, 90,000 का खरीदा था आपने, ईयर थ्री में आपने बेच दिया 180 में और आपको प्रॉफिट कितना हो गया 90,000 का, 90,000 का प्रॉफिट मतलब अप टू 1 लाख एग्जम्प्ट है, तो 90,000 पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा।
उसके बाद जैसे आपने बेचा उसके 2-3 दिन बाद वापस से आपने खरीद लिया, ठीक है। अभी वापस खरीद लिया तो अभी आपका कॉस्ट कितना हो गया, 1,80,000। आपका नया कॉस्ट कितना हो गया, 1,80,000। फिर आप क्या करेंगे, ईयर 5 में जब आएंगे तो वापस से आप बेच दीजिए। ईयर 5 में फॉर एग्जाम्पल 1,80,000 था मेरा कॉस्ट, ईयर 5 में 250 का मैंने बेच दिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 70,000। 70,000 अप टू 1,00,000 एग्जम्प्ट, तो 70,000 भी एग्जम्प्ट हो जाएगा। आप चाहें तो आप वो पैसा यूज कीजिए, अगर आपको पैसे की यूज नहीं है तो वापस आप परचेस कर लीजिए 2-3 दिन बाद, ठीक है। अब आपका नया कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2,50,000। मतलब कॉस्ट कितना था, 90,000, बट हमने उसे खींच के 2,50,000 पे कर दिया, और जितना भी प्रॉफिट था बुक कर लिया 2 साल के अंदर, और दोनों हमने एग्जम्प्ट करा लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि टैक्स गेन हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया था मैंने, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप चाहे अपनी नॉलेज के लिए जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है ना वो सेट हो सकता है सिर्फ और सिर्फ, सेट ऑफ हो सकता है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एंड थर्ड पॉइंट जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अप टू 1,00,000 तक एग्जम्प्ट होता है ऑन शेयर्स। अगर आप शेयर्स बेचते हैं या फिर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेचते हैं तो अप टू 1,00,000 तक एग्जम्प्ट होता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो आई होप टैक्स हार्वेस्टिंग बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।